दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन को कैसे बेहद ही खूबसूरत और एट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि बहुत लोगों का मन करता है कि वो जो है अपने फ़ोन को बेहद ही खूबसूरत और एट्रैक्टिव बना सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा फ़ोन जो है कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। कुछ अलग टाइप के यहाँ पर एनिमेशन चल रहे हैं जो कि हमारा फ़ोन जो है देखने में बेहद ही कूल लग रहा है। ये चीज़ जो है मेरा फ्रेंड देखा था तो वो तो मुझसे पूछ था कि भाई तू ऐसा ऐसा एप्लीकेशन कहां से लाता है जिससे कि तू अपने फोन को इतना खूबसूरत बना लेता है। तो मैंने जो है उसे इस एप्लीकेशन के बारे में बताया तो अब जो है इस एप्लीकेशन को वो भी यूज करने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोग को भी बताया जाए जिससे कि आप अपने फोन को भी बेहद ही खूबसूरत बना सके। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से बने रहिए, तभी जो है वो आप जान पाएगा। ओके, सो चलिए बेटा इन्वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने फ़ोन को देखने में बेहद ही खूबसूरत और एट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को सबसे पहले कर देना होगा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना होगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। इसके बगल में घंटे का आइकन आ जाएगा तो आपको इसे यहाँ से दबा कर और इसे ऑल कर देना होगा दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर आपको एक कॉमेंट कर देना होगा जैसे कि नाइस, ऑसम, या फिर यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं ताकि मैं जान सकूँ कि आप जो है हमारा वीडियो देखते हैं, मैं का जो है नाम पढ़ सकूं। तो यहां पर आप कुछ भी एक कमेंट कर दें, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूं, उसे लाइक करता हूं और उसे हर्ट देता हूं। ओके, तो चलते हैं हम जानते हैं उस ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पर उसके लिए ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे बता दूंगा कि ये एप्लीकेशन आप कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली हम इसे ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद इसकी सारी सेटिंग्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका सारा यहाँ पर सेटिंग्स है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं कलर मोड है। तो कलर मोड में अगर आप जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्ले करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी कुछ इस टाइप का हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं इसका कलर कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर जैसे जैसे टच करेंगे वैसे वैसे लग रहा है कि अंदर में जा रहा है। यहाँ पर अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर मोड में यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप यहाँ पर नंबर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टिकल साइज भी आपको मिल जाएगा जिससे कि इसका साइज जो है वो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि अभी बैकग्राउंड में इसका ब्लैक है, ये देख रहे हैं ब्लैक है इसका बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर आप जो भी आप कलर करना चाहते हैं, रेड, वाइट, जो भी आप इसमें कलर जो है वो दूसरा चेंज करना चाहते हैं इसका बैकग्राउंड, तो यहाँ से जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो अब इसे हम जो है वॉलपेपर पे कैसे सेट करेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे ये जो है वो अंधेरे में कैसा लगता है। तो यहाँ पर मैं अपना लाइट जो है वो ऑफ कर दे रहा हूँ पहले। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर अपना लाइट जो है वो ऑफ कर दिया है और ये अंधेरे में देखने में बेहद ही औसम लगता है। यहाँ पर देख रहे हैं कितना ये खूबसूरत लग रहा है, इसका कोई हद नहीं है जितना ये खूबसूरत लग रहा है। लग रहा है कि अंदर में ये जो है वो जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही कूल लग रहा है ना। तो इसे हम अपने वॉलपेपर पे अब सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना लाइट जो है वो ऑन कर दे रहा हूँ पहले। यहाँ पर देख रहे हैं सेट लाइव वॉलपेपर, तो सिंपली आपको सेट लाइव वॉलपेपर पे जाना है और यहाँ पर सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है। अब मैं इसे जो है अपने होम स्क्रीन पे सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर होम स्क्रीन पे हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं हमारे वॉलपेपर पे जो है वो सेट हो गया और देखने में बेहद ही औसम लग रहा है। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल मिल जाए तो आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।